हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास हाईटेक का Y1 म्यूज़िक सेट आया है। इसका प्रॉब्लम है चार्जिंग का। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे Y1 म्यूज़िक सेट मॉडल है। फ्रेंड्स इसका प्रॉब्लम है चार्जिंग का। फ्रेंड्स सेट न्यू सेट है बट ज़्यादा दिन नहीं हुआ लेने का, कस्टमर को 6-7 दिन हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका प्रॉब्लम आ गया है चार्जिंग का। फ्रेंड्स चार्जिंग नहीं हो रहा है, तो आप देखिए किस तरह से हम इसको चार्जिंग को रिपेयर करेंगे, किस तरह इसको नया लगाएंगे या जंपर सॉल्यूशन करेंगे या इसको न्यू पिन चेंज करेंगे। फ्रेंड्स आप मेरे साथ बने रहिए, तो मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करके बता देता हूँ कि वोल्टेज प्रॉपर परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चार्जिंग का प्रॉब्लम है या कोई अदर प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स तो मल्टीमीटर से आप लोगों को पहले मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे दे बैटरी कनेक्टर में परफेक्ट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे तो परफेक्ट वोल्टेज आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स 0.03 आ रहा है, 2 आ रहा है फ्रेंड्स, यानी कनेक्टर में पूरा वोल्टेज नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, यानी चार्जिंग पिन में ही प्रॉब्लम है। तो मैं न्यू पिन चेंज करके आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। तो जल्दी से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ फटाफट। हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आने वाला वीडियो हमेशा आपको मिलता रहे फ्रेंड्स। तो आप मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक, एंड तक देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं दिखाता रहूँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं बॉडी को पूरी तरह से ओपन कर ले एक मरतबा चार्जिंग पिन में आप लोग को मल्टीमीटर से और भी एक मरतबा दिखा देता हूँ कि परफेक्ट वोल्टेज पिन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, मेरा यहाँ भी 0.532 आ रहा है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे चार्जिंग पिन में भी 0 वोल्टेज आ रहा है फ्रेंड्स। देखें यहाँ पर, इसलिए मैं चार्जिंग पिन में चेक किया था। कभी कभी चार्जिंग पिन में फ्रेंड्स वोल्टेज आता है, आगे नहीं बढ़ रहा है, इसके लिए मैं चार्जिंग पिन में वोल्टेज चेक कर लिया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले ब्लोअर मशीन से कनेक्टर को निकाल लेता हूँ। देखिए मैं किस तरह से इसको ब्लोअर मशीन से कनेक्टर को निकालने जा रहा हूँ, देख पा रहे हैं आप। पूरी तरह से मैं कनेक्टर को मदरबोर्ड से रिमूव कर दिया फ्रेंड्स। देखिए तो फ्रेंड्स मैं जल्दी से इसको मैं नया पिन चेंज करने जा रहा हूँ। नया पिन लगाएंगे, नया पिन लगाने के बाद देखते हैं कि परफेक्ट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स देखिए मेरा काम 100% सक्सेसफुल हो गया। जो पेन मैंने नया लगाया वो परफेक्ट मेरा वोल्टेज आ रहा है और चार्जिंग भी हो रहा है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से आके सब्सक्राइब कर ले और लाइक और कमेंट कर ले, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बोल सकते हैं सर, फ्रेंड्स बता सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके, बाय बाय।